गुलाब के अंदर, पी मटर के अंदर, बीन्स जो सोयाबीन वगैरह होते हैं इनके अंदर मोस्टली किस टाइप की रूट्स होती है? टैप रूट। प्लांट्स विथ फाइबर रूट डू नॉट हैव मेन रूट। जो ये प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कोई मेन रूट नहीं होती है, इसमें वन इस जगह से बहुत सारी रूट्स होती है वो निकलती है। जैसे आप अपने खेत के अंदर यदि इस टाइम आपके बाजरा मिलेट लग रहा है, मेज मक्का लग रहा है, तो उनको उखाड़ के आप देख सकते हो एक ही जगह से आपको बहुत सारी रूट्स दिखाई देगी। इनको अपन बोलते हैं फाइब्रस रूट। नाउ वाइज जो रूट है उसके फंक्शन क्या है, उसका वर्क क्या है? फर्स्ट है रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। वी वॉटर द प्लांट एंड मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर टू द सोइल। दिस इज बिकॉज रूट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा अपन यदि प्लांट जमीन के अंदर लगाते हैं तो उसके अंदर ऊपर से वाटर नहीं डालते हैं, अपन उसके रूट्स के अंदर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, जो भी मेन्यूर व खाद वगैरह होते हैं वो अपन सोइल में डालते हैं। इसका रीजन ये होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर होता है जमीन में जाता है, वहाँ से रूट्स उसको एब्जॉर्ब करती है और स्टेम तक पहुँचाने का वर्क करती है। रूट हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। इसके अलावा रूट होती है प्लांट्स को सीधा खड़ा रखने में भी हेल्प करती है। यदि किसी भी प्लांट्स की स्टेम रूट्स यदि वीक हो जाती है तो आपने देखा होगा वो स्टेम धीरे धीरे ब्राउन येलो कलर का होने लगता है और धीरे धीरे वो प्लांट्स होता है डाई हो जाता है। कट द रूट ऑफ ए स्मॉल प्लांट, ट्राई टू फिक्स ए बैक इन द सोइल, यू विल नोटिस दैट इन आइदर एबल टू स्टैंड इरेक्ट और सपोर्ट इटसेल्फ। यानी आपको क्या करना है, एक वाइल्ड एनिमल वाइल्ड प्लांट्स लेना है, उसके रूट्स को कट कर देना है, फिर दोबारा आपको ग्राउंड के अंदर उसको फिक्स करना है। आप देखोगे कि न तो वो इरेक्ट सीधा खड़ा हो सकता है और नहीं वो ग्रोथ कर सकता है। तो रूट्स का मेन फंक्शन क्या है कि वो प्लांट को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है। रूट से एक सोइल इरोजन, इरोजन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट मिट्टी का कटाव। यानी रूट्स होती है मिट्टी का जो कटाव होता है उसको भी क्या करती है, वो रोकती है। मिट्टी का कटाव का मतलब होता है जैसे इस टाइम रेनी सीजन चल रही है, हैवी बारिश होती है, तब क्या होता है मिट्टी कट कट के बहने लगती है। यदि जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा है तो वो क्या करती है, रूट्स होती है वो उस मिट्टी को क्या करती है, एक जगह बंद करके रखती है। इससे मिट्टी होती है वो क्या नहीं करती है, बह के नहीं जाती है। वेन देर आर स्ट्रॉन्ग वाइंड, इफ देर इज नो प्लांट्स दे वुड नॉट नो रूट्स एंड द सोइल वुड बी रोड बाई फ्लड एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड। यदि तेज आंधी चलती है, तेज हवा चलती है, बाढ़ आ जाती है, तेज पानी का बहाव होता है, तो जहाँ पे रूट्स यानी प्लांट्स नहीं होते वहाँ से मिट्टी कट कट के बहने लगती है। जहाँ पे प्लांट्स ज्यादा होते हैं वहाँ पे मिट्टी क्या हो सकती है, एक जगह बंद के रह सकती है। रूट्स स्टोर फूड। इसके अलावा जितना भी फूड होता है लीव्स प्रिपेयर करती है, उसको एक जगह पे क्या करती है, स्टोर करके कौन रखती है, रूट्स। सम प्लांट्स हैव मॉडिफाई रूट्स परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शन। रूट्स ऑफ बीट रूट, जो चकुंदर होता है, रेडिस है, कैरेट है, टर्निप है, सलजम वगैरह, सेलोन। सेलोन का मतलब क्या होता है, फूले हुए होते हैं इनकी रूट्स और वो रूट्स ही अपन फूड आइटम के रूप में यूज में लेते हैं। जैसे कैरेट है, कैरेट के अपन रूट्स खाते हैं, रेडिस है, मूली के अपन रूट्स खाने के लिए, बीट रूट है, तो इनको अपन इनकी जो इस रूट्स होती है वो फूली हुई होती है, उसी को अपन फूड आइटम के रूप में यूज में लेते हैं। नाउ है सूट सिस्टम, यानी जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है उसको बोलते हैं अपन सूट सिस्टम। इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अबाउ द सोइल। दिस इंक्लूड स्टेम, ब्रांच, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूमूट ऑफ द बेबी प्लांट और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन्स होता है डियर स्टूडेंट, आप एक बीज लगा के देखना, 3 or 4 days के बाद में देखना उसमें वाइट कलर की एक रूट्स दिखाई देगी और 7 days बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा स्टेम सा दिखाई देगा, तो उसको प्लूमूल बोलते हैं। तो प्लूमूल से ही ये जो स्टेम है, ब्रांच है, लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, ये इस बियरिंग स्टार्ट होती है इनकी। एट फर्स्ट वी स्टडी अबाउट स्टेम, तने के बारे में स्टडी करते हैं। इट इज़ द मेन पोर्शन ऑफ द प्लांट फ्रॉम द बेस ऑफ विच द रूट्स अराइज एंड ग्रो अंडरग्राउंड। द स्टेम गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ ब्रांचेज दैट बियर लीव्स। यानी स्टेम होते हैं उसके बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है और उस ब्रांचेज पे क्या लगती है, लीव्स। द पॉइंट एट विच द ब्रांच कम आउट इज कॉल्ड नोड। डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि नोड और इंटरनोड क्या होते हैं, कि जो ली जो स्टेम होता है उसके जहाँ से लीव्स लगती है उसको नोड बोलते हैं और दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं।
द स्टेम कीप ऑन द इंक्रीजिंग इन लेंथ एंड इन डायमीटर अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एज ही ग्रोथ बिकम हार्ड एंड वुडी. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द स्टेम ग्रो ओनली एट इट्स टिप. दिस इज वेयर द एपिकल बड इज प्रजेंट. डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है. आपने देखा होगा किसी भी प्लांट्स को यदि आप लगाते हो, उसको यदि आप पर डे यदि रिकोनाइज करते हो, तो देखना कि हमेशा जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो हमेशा स्टेम से ही होती है, न कि रूट से होती है. ये स्टेम ही आगे से आगे बढ़ता रहेगा और साइड में इसके जो लीव्स है, नोड है, इंटरनोड्स है, वो ब्रांचेस निकलती रहेगी. द बड्स आर ऑल्सो प्रजेंट एट द पॉइंट्स वेयर द लीव्स एराइजेस. दीज नोन एज एक्जिलरी बर्ड्स. इट गिव्स राइज टू ब्रांचेज एंड लीव्स. वेन द स्टेम ग्रो इन टू ए थिक वुडी एंड हार्ड स्ट्रक्चर इज ई नोन एज ट्रंक. डियर स्टूडेंट, ट्रंक एंड स्टेम होते हैं वो सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं. स्टेम वो होता है जो वीक होता है, वुडी होता है, इतना हार्ड नहीं होता. लेकिन जैसे ट्री के रूप में प्लांट्स होता है, उसका जो स्टेम होता है उसको ट्रंक बोलते हैं. वो बहुत हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. कवर्ड विथ बाक. बाक का मतलब होता है छाल. यानी जो स्टेम इनका होता है, खेजड़ी है, मैंगो है, बेनियन है, पीपल है, इनके जो स्टेम होता है उसको ट्रंक बोलते हैं. क्योंकि इनकी इनका जो स्टेम होता है उसके ऊपर बाक होती है, छाल होती है. द बाक प्रोटेक्ट द ट्रंक ऑफ द ट्री. और इस बाक का मेन फंक्शन होता है कि ये ट्री का जो प्लांट्स जो स्टेम होती है उसको प्रोटेक्ट करता है. ईजिली कोई भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते. देन आफ्टर फंक्शन ऑफ द स्टेम. स्टेम के फंक्शन क्या है? एट फर्स्ट स्टेप प्रोवाइड सपोर्ट. सपोर्ट का मतलब होता है सारा देना. द स्टेम कीप ए प्लांट स्ट्रेट एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट. स्टेम ऑफ ए प्लांट इज लाइक द बैकबोन ऑफ अवर बॉडी एंड हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट एंड अपराइट. डियर स्टूडेंट, जो प्लांट्स होते हैं उसका स्टेम सेम वैसा होता है जैसे कि एनिमल जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके अंदर बैकबोन होती है. यदि अपने अंदर बैकबोन नहीं होती तो अपन सीधे खड़े नहीं हो सकते, नहीं चल सकते. तो सेम जो स्टेम होता है उसकी वजह से ही प्लांट्स होता है वो सीधा खड़ा रहता है. वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स पार्ट. इसके अलावा स्टेम के अंदर ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इसके पार्ट्स होते हैं, नोड है, इंटरनोड है, ब्रांच है, लीव्स है, वो निकलती है. देन आफ्टर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड. ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है. डियर स्टूडेंट, अभी आपको बताया था कि रूट का मेन फंक्शन क्या है. रूट होती है अंडरग्राउंड सोइल से वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके स्टेम को देती है. और ये स्टेम ही क्या करता है, उस वाटर को प्लांट्स के टिप तक, लीव्स तक पहुँचाता है. और लीव्स से बना हुआ जो फूड होता है वापिस रूट्स तक कौन पहुँचाता है? स्टेम. यानी स्टेम होता है वाटर और जो फूड होता है दोनों को एक्सचेंज करने का वर्क करता है. द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द रूट्स इन द सोइल टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. द स्टेम फॉर्म एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यानी स्टेम ही एक प्लांट्स का ऐसा पार्ट है जो प्लांट्स की रूट्स और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनके बीच में लिंक का काम करता है. यानी रूट्स का एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर और मिनरल्स होता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुँचाता है, और जो लीव्स जो फूड प्रिपेयर करती है उसको प्लांट्स के जो रूट्स तक पहुंचाता है. हैंस स्टेम थ्रू विच ऑल लाइफ सस्टेनिंग एंड ग्रोथ मटेरियल्स आर ट्रांसफर्ड. देन अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड. इसके अलावा अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है, जिनके ग्राउंड के अंदर स्टेम होता है, वो क्या करती है? फूड स्टोर करती है. जैसे कि ऑलरेडी प्रीवियस में बता चुकी हूँ कि कैरेट है, रेडिस है, बीटरूट है. तो ये क्या करते हैं, इनके अंडरग्राउंड के अंदर जो रूट होती है वो ग्रोथ करती है और वो स्वेलोन हो जाती है, फूल जाती है. उसी में उसका फूड होता है, वो स्टोर होता है. लाइक मॉडिफाइड रूट्स, देर आर मॉडिफाइड स्टेम परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इन सम प्लांट्स ऑफ स्टेम ग्रो अंडरग्राउंड एंड फंक्शन टू स्टोर हाउस ऑफ फूड पोटेटो. यानी आलू, आलू का स्टेम खाते हैं अपन. जैसे कि अभी बताया था आपको रूट है, उस रूट्स किसकी खाते हैं अपन? कैरेट है, रेडिस है, बीटरूट है, इनकी रूट्स अपन खाते हैं. जबकि जो ओनियन है, पोटेटो है, इनका अपन स्टेम है वो यूज़ में लेते हैं. बर्ड्स एराइज एंड गिव्स राइज टू लीव्स. इट ऑल्सो बियर रूट्स. पोटेटोज ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्टोर फूड. यू मस्ट नोट दैट पोटेटो इज अंडरग्राउंड स्टेम, नॉट ए रूट. इट स्टोर फूड फॉर द प्लांट्स. जिंजर ओनियन. जिंजर मीन्स होती है डियर स्टूडेंट अदरक. ओनियन मीन्स ऑलरेडी यू नो प्याज. तो इनका भी अपन क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं, न कि रूट्स. थिक एंड फ्लैश स्टेम बेक फूड. कुछ प्लांट्स के स्टेम भी फूड प्रिपेयर करते हैं जिनका स्टेम कैसा होता है? ग्रीन होता है. डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस,
सो थिक एंड फ्लेसी स्टेम, दे लुक लाइक थिक लीव्स वेयर इज दे आर मॉडिफाइड स्टेम, यानी वो स्टेम होता है उनका लेकिन वो ग्रीन कलर का होता है। डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वही फूड प्रिपेयर करते हैं क्योंकि उनके अंदर लीव्स होती नहीं है। दे कैन स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग ड्राई वेदर, लॉन्ग डेजर्ट के अंदर मेनी टाइम तक बारिश नहीं होती है बहुत दिनों तक, तो वो क्या करते हैं उनका स्टेम होता है उसी के अंदर वाटर स्टोर हो जाता है। देयर ग्रीन कलर सो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, डियर स्टूडेंट ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्लांट्स की लीव्स ही फूड प्रिपेयर करती है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स की लीव्स होती है वो क्या करती है फूड प्रिपेयर करती है। लेकिन डेजर्ट्स के अंदर जो कैक्टस जैसे प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है उसी में क्लोरोफिल होता है इसलिए वो फूड प्रिपेयर करता है। वी कैन से द मॉडिफाइड स्टेम मेक फूड फॉर द प्लांट्स, जो मॉडिफाइड जो प्लांट्स का पार्ट्स है स्टेम वो फूड प्रिपेयर करता है। स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स गिव्स एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट्स, टेंड्रिल का मतलब होता है कि साइड्स के अंदर जो निकल जाते हैं वो भी इसको क्या करता है सपोर्ट प्रदान करता है। टेक ए लुक ए स्टेम टू द कुकरबिट, यानी लौकी है उसको देखिए डियर स्टूडेंट, यू विल नोटिस स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो टेंड्रिल होता है वो होता है डियर स्टूडेंट जैसे कि आपने देखा होगा जो धागा होता है उस तरीके से होता है, वो क्या करता है कि जो प्लांट्स है उसको सपोर्ट करता है। जैसे आपने लौकी लगा के देखना, लौकी को जहाँ कहीं पर भी सपोर्ट दिखती है वहाँ पर वो टेंड्रिल है वो उसके ऐसे हो जाता है, उसके साथ में मिक्स हो जाता है, फिर उसकी सहायता से वो आगे की तरफ चलता है, तो ये सपोर्ट देने का भी वर्क करता है उसको अपन टेंड्रिल बोलते हैं। दिस टेंड्रिल मॉडिफाई फ्रॉम द स्टेम ऑफ कुकरबिट इज वेरी वीक एंड कैनॉट सपोर्ट द प्लांट, इस टेंड्रिल हेल्प टू प्लांट क्लाइम अप द कोइलिंग, कोइलिंग का मतलब होता है ऐसे घूम के, तो वो आप अपने खेत के अंदर इजीली इस टाइम आप देख सकते हो ये जो वाटरमेलन वगैरह होते हैं कुकुम्बर वगैरह होती है इनके अंदर भी ये टेंड्रिल प्रजेंट होता है। देन आफ्टर डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम, यहाँ पे एक ही रूट और स्टेम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। नोड्स एंड इंटरनोड अब्सेंट,